नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। नमस्कार, मैं हूं निधिशा और आप देख रहे हैं CS न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। जिले के बूचड़खाने में अवैध रूप से गौ मांस बिक रहा, कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित बजरंग दल के लोगों ने फूंका CM का पुतला। पास राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आक्रोशित मार्च निकाला गया है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी और CO के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज आंदोलन की शुरुआत की गई है, अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो और तेज आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने मंत्री मंगल पांडे से की मुलाकात, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्य की खेल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को लेकर बिहार के प्लेयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अन्य दस्तावेज के साथ उनसे मुलाकात की। बता दें कि मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग से लेकर पथ निर्माण, कला संस्कृति एवं खेल विभाग भी है। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, फिर मिले 667 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 5724। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी, आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई। अपडेट के अनुसार राज्य में 668 नए कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए। इन मरीजों में सबसे अधिक संख्या पटना जिले से आ रही है, जहाँ 282 नए मरीज पाए गए हैं। कई भट्टियों को किया नष्ट, शराब कारोबारी में मचा हड़कंप। बिहार के संपूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद चोरी छिपे यहां शराब का अवैध कारोबार किया जाता है। हालांकि पुलिस की ओर से इन मामलों को लेकर कई कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अवैध शराब के कारोबारी अपने हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसे ही नहीं, मामला राघोपुर से सामने में आया है, जहां सुकुर कुमार दियारा में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष छापेमारी कर अभियान चलाया था, जिसमें से कई शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। 14 चक्के वाले ट्रकों के परिचालन पर रोक के खिलाफ लामबंद हुआ जिला मोटर व्यवसायी संघ ने फूंका CM का पुतला। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में 14 या उससे अधिक चक्के वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर राज्य के कई जिले में विरोध शुरू हो गया है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां जिला मोटर व्यवसाय संघ व जिला ट्रक एसोसिएशन द्वारा जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे थे शिक्षक, बाइक की डिक्की से बदमाशों ने उड़ाए 3 लाख रुपए। कटिहार जिले में अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र से आई है, जहां क्वालिटी मोड़ के पास बदमाश मोटरसाइकिल की डिक्की से को तोड़कर 3 लाख रुपए लेकर भाग गए। जमुई पहुंचे DIG मनु महाराज, बढ़ते क्राइम को लेकर आला अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। बिहार में अपराधियों ने पुलिस के दांत में दम कर रखा है, जमुई जिले में भी अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है और अपराधी लगातार पुलिस को चैलेंज करते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर की हड़ताल का असर, इलाज नहीं मिलने से मरीज की हुई मौत, कौन होगा इसका जिम्मेदार? यहां हम जो तस्वीरें देखने जा रहे हैं वह एक जूनियर डॉक्टर की है, जो मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। दूसरी तस्वीर उस बिखरते परिवार की है, जिनके अपने की इसलिए मौत हो गई क्योंकि वह इलाज के लिए अस्पताल गए थे और वह अस्पताल जहां लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया जाता है, लेकिन यहां मरीज का इलाज नहीं। नतीजा, प्रदेश की सरकारी व्यवस्था ने उस मरीज की जान ले ली। सैदपुर तालाब का जांच करने पहुंचे वरीय उप समाहर्ता। गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गांव में जल जीवन हरियाली के तहत खोदे गए तालाब की जांच में सहयोग हेतु लघु जल संसाधन विभाग के कनीय व सहायक अभियंता तथा जांच दल में
शामिल ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता को नहीं आने के कारण बुधवार को जांच नहीं हो सकी। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है।